नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। स्वामी प्रसाद मौर्य आज बड़ा धमाका करने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी से इस्तीफों का सिलसिला नहीं रुकेगा। अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और धर्म सिंह सैनी कुल 3 मंत्री योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी से किनारा करने वाले कुल विधायकों की संख्या अब तक 11 हो चुकी है। इनमें अपना दल का एक विधायक भी शामिल है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो रही हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने पिछले दिनों बीजेपी छोड़ी थी, वह समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी यूपी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, 14 जनवरी मकर संक्रांति, स्वामी का बजा बिगुल क्रांति, बीजेपी का टूटा है भ्रांति, भाजपा अंत का है शंखनाद। आपको बता दें कि यूपी चुनाव से पहले अब तक प्रदेश में 10 विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है। इनमें से 3 यूपी सरकार के मंत्री भी थे, वहीं कांग्रेस और सपा के एक एक विधायक ने बीजेपी का दामन थामा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर समर्थकों की भीड़ भी जमा हो चुकी है। वही कुछ देर में वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी छोड़कर आए बाकी विधायक भी सपा में जा सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी छोड़ने वाले विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पहुँच रहे हैं। विधायक मुकेश वर्मा ने कहा कि हम लोग धीरे धीरे इंजेक्शन लगा रहे हैं, रोज एक एक इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि जब बीमारी बड़ी हो जाती है तो इंजेक्शन से ही जाती है। अब उस पर ओरल मेडिसिन काम नहीं करती, इसलिए अब इंजेक्शन देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले तो हमें आज भी बुला रहे हैं कि वापस आ जाओ, गुहार लगा रहे हैं। वह बोले कि मैंने सदन में 300 सवाल किए, याचिका के माध्यम से 85% लोगों की बातों को विधानसभा में रखा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आज 2 दर्जन से ज़्यादा लोग सपा ज्वाइन करेंगे।